नमस्कार सेंद्रिय स्कूलवाले गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण में विशेषण का दूसरा भाग देखेंगे। इसमें हम कुछ प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर विशेषण बनाना सीखेंगे। कुछ प्रत्यय हमने देखे, हम कुछ और प्रत्यय देखेंगे। दीर्घ की मेहनत, तो जो मेहनत करने वाला है उसे क्या कहेंगे? मेहनती। ई की मात्रा लगने से, प्रत्यय लगने से। इन रंग, रंगीन। शौक, शौकीन। फिर ईयर, दीर्घ ईयर। चिंतन, सोचना। तो सोचने वाले को क्या कहते हैं? चिंतनीय, जो सोचने लायक हो चीज उसे चिंतनीय। दर्शन, दर्शनीय, देखने लायक। ऐसे ईला, दीर्घ ईला। रंग, रंगीला। मौज, मौजीला। दीर्घ ऊ, पेट, पेटू, मतलब बहुत खाने वाला हो उसे पेटू कहते हैं। एला, विष। और एला जोड़ के लिखेंगे तो विषैला। दा, मान के दा लगाएंगे तो मालदा। दे, मतलब देने वाले। आराम, उसमें देह लगाएंगे तो आराम देह, मतलब आराम देने वाले। नुकसान, नुकसान देह। दर्द, दर्द, दर्द देह, दर्द देने वाला। नाक, खतरा, खतरनाक। मन, अक्लिय, अक्लमंद। वर, ताकत, ताकतवर। अब कुछ उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, और जब उपसर्ग शब्द के आगे लगेंगे तो हो सकता है शब्द का बिल्कुल विरोधी अर्थ हो जाए। इलाज, मतलब जिसका इलाज किया जा सके, जिसकी चिकित्सा की जा सके, ऐसा। लेकिन उसके आगे लाभ शब्द नहीं रहा तो विशेषण बनेगा लाभ इलाज, मतलब जिसकी कोई चिकित्सा नहीं है, जिसका कोई उपचार नहीं है, ऐसा हो गया विरोधी। फिर शर्म, मतलब ऐसी भावना जिसे हमें शर्म आए, शर्मिंदगी हो, अफसोस हो, उसके आगे बेरंग रहे, बेशर्म, मतलब जिसको कोई शर्म नहीं है वह हो गया विरोधी। परवाह, मतलब चिंता, फिक्र। लेकिन लाभ लगेगा तो लापरवाह, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई परवाह नहीं है। नसीब, मतलब भाग्य। बद, मतलब बुरा। तो बद नसीब, बदुआ लिखा हमने यहाँ। बद नसीब, मतलब जिसका नसीब खराब है वह बदुआ, जैसे बदुआ भी बनेगा। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करते हैं, उसके अर्थ में कुछ खास जोड़ते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार प्रकार हैं व्याकरण की किताब के अनुसार। पहला गुणवाचक, जो संज्ञा के गुण, अवगुण, दोष, स्थिति, दशा, रंग, ऊंचाई, कद आदि को सूचित करते हैं, उसे गुणवाचक कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक, उसके दो प्रकार हो सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मतलब 1, 2, 5, 10, 20, 1000, ये संख्या सूचित करें, उसको निश्चयवाचक। और कुछ, कुछ एक, मतलब जिसमें पूरी संख्या नहीं दी हो, जिसमें हमें अंदाजा लगाना हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, मतलब जो वस्तु का, चीज का नाम, गुजराती में आपने जिन्हें कही माप, जिसे नापा तोड़ा जा सके, ऐसे ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे बहु, ज्यादा, अधिकतर, कम। फिर 2 मीटर, 5 मीटर, 1 किलो, आधा किलो से परिमाणवाचक कहते हैं। और चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण, मतलब संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आए और संज्ञा की विशेषता को सूचित करे, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण प्रत्यय और उपसर्ग